ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. लालासुबान कामी बेहमति का अस्तीफ वमीन अलहमदिल्ला आज 9 अगस्त 2020 की कुरान क्लास नंबर 40 चालीस नंबर क्लास की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इनशा ताली हम सूरतबकर की आयत नंबर 267 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे पिछली दफ़ा जो मजमून स्टार्ट हुआ था इनफाक फ़ी सबील के हवाले से यानी अल्लाह ताली की राह में ख़र्च करने की क्या फ़जीलत है और उससे रिलेटेड क्या अहकाम मसाइल हैं उस पर मैंने अर्ज़ किया था कि कुरने हकीम में सबसे लेंथी पोर्शन और डिटेल्ड पोर्शन यही है आलमोस्ट ट्वेंटी वन आयात हैं तीन रुकुओं पर मुश्तमिल कुछ हिस्सा उसका हमने कवर कर लिया था कुछ इन शाला आज कवर हो जाएगा आऊदबिल्हमिन शयतानजीम बसमिल्लर रहीम या अदीन आ मनु अलफ़ो मिलतबात इमां का सब तुम ए अहल ईमान खर्ज करो उन उमदा चीज़ों में से पाकिज़ा चीज़ों में से जो तुमने कमाई है तो ये पहली कैद तो लगा दी कि वो चीज़ पाकिज़ा होनी चाहिए हराम का माल नहीं यानी तो ये बात का अगर हम जाहरी माना लेंगे तो वो पाकिज़ा चीज़ और अगर इसको रूहानी तौर तो पर देखेंगे तो फिर इसमें वो सारी चीज़ें वो तमाम शरात दाखिल होंगी जो अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है यानी रेकारी से भी पाक हो और हलाल तरीके से कमाया गया हो खुद भी माल हलाल हो और हलाल माल में भी रद्दी माल ना हो बल्कि उम्दा माल हो अख़रज़ना नकुम मिनल अर्द और उसमें से भी जो हमने निकाला है तुम्हारे लिए ज़मीन में से यानी एक तो वो माल है जो आपके पास कंज की शक्ल में चाहे वो करंसी की शक्ल में है सोने की शक्ल में चांदी की शक्ल में उसका आपने चालीसवा हिस्सा या उसे अढ़ाई फीसद कह लें वो जक़ात के तौर पे आपने देने ही देना है साल में एक दफा और जो जमीन उगाती है उसमें फिर आपको पता है चार गुना जक़ात है उसे उशर कहा जाता है तो वो टोटल आमदन का दसवां हिस्सा होता है ये तो चालीसवां होता है वो दसवां होता है यानी सौ में से दस रुपये और ये भी उस सूरत में जब जमीन जो है वो आ, बारानी होगी यानी जिसको नेचुरल इरिगेशन अवेलेबल होगी बारिश के ज़रिए जहाँ पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है कुआं लगा के या ट्यूबवेल के जरिए या नहरी पानी को ख़ुद सक करना पड़ता है बिजली वाली मोटर लगा के तो ज़ाहिर है उसमें फिर आपका ख़र्चा भी हो रहा है तो उसमें फिर जो ज़मीन की जक़ात है वो फिर आधी रह जाएगी फिर वो बीसवा हिस्सा होगा जकत चालीसवां हिस्सा होता है यानी जो भी रकम है डिवाइडेड बाई फोर्टी सौ को चालीस पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है टू पॉइंट फाइव चालीसवां हिस्सा और परसेंटेज में टू पॉइंट फाइव परसेंट अढ़ाई परसेंट उशर जो है वो दसवां हिस्सा और परसेंटेज में भी वो टेन परसेंट ही बनेगा क्योंकि सौ का दसवां टेन परसेंट और अगर आपको खुद इनपुट देनी पड़ रही है आपका ट्यूबवेल का खर्च आ, आ रहा है और नेचुरल इरिगेशन नहीं है फिर अल्लाह ताला ने आपको आधी ज़क़ात भी ज़मीन की माफ़ कर दी है फिर आपने बीसवा हिस्सा देना है डिवाइडेड बाई टी तो ये इसकी तरतीब है बाकी जिकात के जो सत्तर के करीब कदीद और कदीम और जदीद जो शरी अहकाम मुसाइल हैं उसके ऊपर मैंने मसला नंबर नाइन्टी फाइव ए और बी रिकॉर्ड करवा दिया है वो आप देख सकते हैं तयमी था मनहू तफूना वस तुम भी आखिरी ये बहुत ज़बरदस्त बात आ रही है और मत कसद करो रद्दी माल का अल्लाह की राह में खर्च करने के अतबार से व लस तुम भी आखिरी ही वही माल अगर तुम्हें कोई दे तो तुम कभी भी उससे कबूल ना करो बजूज इसके कि तुम चशम पोशी कर लो तो अल्लाह ताला भी पोशी करता है गुनाहों पे पर्दा रखने वाला है लेकिन अल्लाह की रिक्वायरमेंट ये नहीं कि उसको रद्दी माल दिया जाए जैसे घर में कोई बिल्कुल चीज़ बेकार होगी है तो अब वो अल्लाह की राह में खर्च करनी है अच्छा उसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर घर में कोई चीज़ रद्दी गई है तो अब उसे उठा के कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाए तो ज़ाया हो जाएगा वैसे आजकल तो वो भी ज़ाया नहीं होता मैंने देखा है कि लोग तलाश में होते हैं ऐसे जो बेचारे गरीब लोग हैं तो वो उसकी छान पटक करके अगर वो इस्तेमाल की चीज़ हो तो रख लेते हैं लेकिन बहरहाल उससे तो बेहतर है किसी को दे दी जाए ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स अफोर्ड कर सकता है तो वो क्यों रद्दी माल अल्लाह की बारगाह में देता है अच्छा माल दे और ये मैंने देखा स्टेट ऑफ माइंड होती है एक आपने जहनी तौर पे एक फैसला करना है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है वैसे बड़ा अजीब लग रहा होता है कि आप नया जोड़ा किसी को लेके गिफ्ट करें या इसी तरीके से नई चीज़ कोई किसी को गिफ्ट करें किसी गरीब बंदे को इंसान की कोशिश होती है कि पुराना दिया जाए हालांकि अक्सर लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को भी गनीमत समझ के ले लेते हैं जिनको आप रद्दी समझ के छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए वो बड़ी अहमियत के हामिल होती है चीज़ तो बहर अल्लाह तला फरमा मार है कि मुझे अगर देना है ना तो रद्दी माल ना दो मुझे देना है तो फिर वो माल दो कि अगर तुम्हें कोई शख्स इस तरह का माल दे तो तुम चश्म पोशी कर दोगे वरना तो यकीन तुम कभी नहीं लोगे और इसी का क्लाइमेक्स है वह सूर्य की आयत जो चौथे पारे के स्टार्ट में है लन तनाल और बिर्राह तुम फिको मत हिब्बू हरगिज़ नहीं कभी भी तुम नेकी के अला दर्जे को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ें अपने रब के हजूर पेश न कर दो अच्छा ये आयत जनरल है पसंदीदा चीज़ में आपकी हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला आपसे मांगता है जो सूर्य तोबा में आया कि हमने मोमिन की जाने और माल जन्नत के बदले में ख़रीद ली हैं अब ममिन को चाहिए कि इस बैत के ऊपर जो उन्होंने अल्लाह से की है यानी अपने आप को अल्लाह के आगे बेच दिया है बई अरबी में कहते हैं बेचने को अब यह हैरान कौन बात है कि ये बैत पीरों की किस तरह लोग चला रहे होते हैं पीरों के सामने कौन अपना आप बैठ सकता है हाँ अल्लाह के रसूल के आगे जो बैत की जाती है वो अल्लाह की बैत ले रहे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव बन के खलीफतलमसलम जो बैत ले रहा होता है वो अल्लाह और उसके रसूल के भी पर बैत ले रहा होता है और वह भी मशरूत होती है उसमें फिर है फनाजात फीश इन फर उद्दूल रसूल वो एबसोल्यूट नहीं एबसोलूट वही दो है या लदी ना मामनु व अती और ये दो और तीसरी मशरूत है व को उसके साथ इताद का लफ्ज़ भी नहीं आया सिर्फ़ आए को और फिर साथ ही आए फ़ा इन तनाज़ा आटम फी श अगर तनाज़ा हो जाए किसी मामले में हुक्मरान के साथ भी फिर फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल से करवाना यानी आज की डेट में किताबों सुनने से तो एबसल्यूट इतात अल्लाह और उसके महबूब सल्हसम की है तो ये जो बैथ हमने की है अल्लाह ताला की अपने जान और माल के एवज जन्नत ली है तो जान और माल दोनों के एवज़ है तो जान और माल की कैटेगरी में जो जो चीज लाई करेगी वो आला तरीन चीज़ अल्लाह को देनी है जान में आला तरीन चीज कौन सी है जी अब आप उस चक्कर में ना पढ़ते कि भाई जिस तरह वो अजत मूसाला कहते बंदे को ला के दें ए ला के दें वो नहीं है जान और माल जान से मुराद है जिंदगी अपनी ज़िंदगी का आपने बेहतरीन पोर्शन अल्लाह को देना है जहर जान से मुराद ये तो नहीं अल्लाह तला तो कहेगा कि हाँ जी मैंने जो है वो गुर्दे लेने हैं और दिल को बूल नहीं करना या मैंने दिल लेना है दिमाग को बूल नहीं करना जान से मुराद ये नहीं है ये असलाहन बात हो रही है खैर वो तो एक अला तरीन दर्जा है कि कोई शख्स मैदान जंग में अपनी जान अल्लाह के लिए लेकर आ जाए वो तो है ही है लेकिन ये जो आम हालत में बात की जाती है ना जान और माल के ज़रिए अल्लाह के हजूर जिहाद करना कोशिश करना उसमें आपने अपने जिसम की इनपुट देनी यानी नमाज भी तो एक जिहाद है आप जान की कुर्बानी कर रहे हैं ना नींद की कुर्बानी कर रहे हैं बिस्तरा छोड़ रहे हैं मशक्क़त उठा रहे हैं जिसम की रोज़े में भी जिसम की मशक्कत उठा रहे हैं ये सब जान की कुर्बानी है और बाकी माल की कुर्बानी में जाहिर है कि वो चाहे करेंसी की फॉर्म में हो चाहे आपके एसेट्स अल्लाह की राह में खर्च करने की फॉर्म में हो वो सब के सब वो हैं इसी के लिए वो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ना फारसी की में कदम सुखने ठीक है ये इस्तेमाल होती है ना जी दर में यानी मुराद बाई करंसी सुखन यानी ज़ुबान के ज़रिए कदम यानी साथ फिज़िकली इनपुट शामिल हो जाए कि इंसान खुद उसमें शामिल हो जाए लंग तनालता तफिको इम्बा तो हिब्बून में अगर जान की बात की जाए ना तो यह है मेरे भाइयों जवानी क्योंकि इंसान की जो जान में सबसे कीमती चीज है उसकी जवानी का पोर्शन है बुढ़ापे का पोर्शन तो रद्दी पोर्शन है उस वक्त तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है दर जवानी तोबा करदम शेवा पैगम्बरी पेगंगर। ये पैगम्बरों का शेवा है कि जवानी में तोबा की वो जो बुहारी मुसलमे हदीस है सात लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा उसमें से एक शख्स वो भी है जिसने जवानी में तोबा की तो जाहिर है कि अब जवानी की जो एज है वो हर बंदे की अपनी है लोगों की डेफिनेशन अपनी है बाकी इस्लाम की अगर डेफिनेशन में जवानी देखी जाए तो पीक उम्र जवानी की तो फोर्टी इयर्स है ये आखिरी है इसके बाद फिर मिडल एज शुरू हो जाती है तो चालीस साल की उम्र से पहले पहले वाला पोर्शन सबसे बेस्ट पोर्शन है अल्लाह को देने वाला सेकंड पोर्शन जो है वो 40 से 60 के दरमियान है क्योंकि जाम तिरमिजी में हदीस है कि मेरी उम्मत की एवरेज उम्र जो है वो 60 साल होगी ठीक है साठ यानी ये, ये 20 से 60 और 60 साल तो ऐसा है जिसमें आपको गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है कि सर बस यानी वाकई बूढ़े होने की डिकलेशन हो जाती है अब तो वो भी सुना है कि उम्र पचपन पर लेके आ रहे हैं साठ वाली भी तो जिंदगी का बेहतरीन पोर्शन आपकी जवानी जब आपके सारे असाब काम कर रहे हैं और आप पूरी एफर्ट जिस तरह अपने बाकी ज़ाती मामला के लिए कारोबार के लिए भी बच्चों के लिए इनपुट देते हैं ऐट इत इतनी तो देनी चाहिए ना अल्लाह के लिए भी वैसे कहानियाँ आप लोगों से सुन लें जी वो जी दीन दुनिया सात साथ चलना चाहिए तो अगला काउंटर क्वेश्चन किया जाइए जा जा सात सात से मुराद आप यही कह रहे होंगे कि बारह घंटे जो है वो दुनिया की कमाई के लिए और बारह अल्लाह के लिए तो नाली फिर ए करेंगे मुंह ओढ़ गई यार एक कह कहता है क्योंकि हम ये सोच तो नहीं रहे होते ना दीन दुनिया साथ साथ वो तो कहते हैं दोनों चीज़ें साथ साथ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट लेके चलना है फिफ्टी परसेंट तो आप सोच भी नहीं सकते सर आप अपनी इस जिंदगी की जक़ात का हिस्सा भी नहीं अल्लाह को दे रहे यानी आप ढाई फीसद टाइम भी नहीं दे रहे सौ में से बाकी आप अगर फराइज की बात करें वो तो ऑब्लिगेट नहीं है वो तो करना ही करना है उससे हट के आप क्या इनपुट दे रहे हैं जो कामयाबी की चार शरात में से आखिरी दो शरात हैं व तवा हक़ और व तवा सऊबिल पहली दो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं चाहे ईमान लाना हो या अमल साल खैर ये अलग से एक टॉपिक है बहरल इसमें अल्लाह ताला ने देखें किस तरीके से इंसान को चोट लगाई है कि अल्लाह के हजूर रद्दी माल ना दो कि तुम्हें कोई वो माल दे रहा हो तो तुम कभी भी उससे कबूल ना करो इल्ला ये कह चश्म पोशी कर लो वायलम और खूब जान लो अन्नल्लाह गनी अन्ला हमीद अल्लाह ताला तो गनी है बेपरवाह है और हमीद है यानी ऐसी हमद वाला है कि जो अपनी जात के अंदर खुद सतुदा सिफात है उसकी कोई तारीफ करे या ना करे उसकी ज़ात खुद हमद के लायक है यानी वो हैं मोहताज नहीं किसी के हमद बयान करने की तो ये बड़ी इंटलेक्चुअल अल्लाह ताला की सिफात बयान हुई है यहाँ पे। गनी इसलिए कह दिया कि बार बार ये जो तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो इसका यह मतलब नहीं कि वह अल्लाह गरीब है और तुम अमीर हो नहीं तुम्हें भी जो दिया वह अल्लाह ने दिया हुआ लिहाजा अल्लाह तला कोई परवाह नहीं है और हमीद कि अल्लाह तला किसी की हमद का भी मोहताज नहीं है वो खुद अपनी ज़ात में स्तूदा सिफात है सुबहानल्लामद ही आदाद खलक़ी ही व नफसी व जिनत आर्शी व मिदाद कलि आमीन अब अल्लाह की राह में जो माल खर्च करने में सबसे बड़ी हर्डल है उसको एड्रेस किया जा रहा है अश्शुतान याद फक्र, शैतान तुम्हें डराता रहता है गुरबत से फकीरी से तंगदस्ती से मुरुकुम बिल्फाह और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है अच्छा ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बड़ी हैरान कन बात है या तो इंसान अमीर होगा या गरीब होगा गरीब आदमी को क्या डर होगा अल्लाह की राम में खर्च करने का कि मैं तो पहले गरीब हूँ तंगदस्त ना हो जाऊँ और अमीर आदमी को शैतान क्या डर डल चलाएगा ये तंगदस्ती वाला तो करे ही करेगा लेकिन जो बहुत अमीर है वो तो इससे भी नहीं डर रहा होगा उसको वो बेहाजया के कामों में लगा देगा आप देखते हैं जितने अमीर लोग हैं जो ज्यादा अमीर हैं इल्ला माशाल्लाह, वो बेहजया के अंदर मुबतला हो जाते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं या तो माल कम होने का खदशा दिलाता रहेगा और अगर माल कम होने का खदशा नहीं ना दिलाएगा तो माल तो आप खर्च कर रहे होंगे अल्लाह की राह में लेकिन साथ ही साथ आप बेहयाई में मुबतला होंगे जिसकी नुमाइंदा मिसाल ये तवाइफें अल्लाह की राह में खर्च भी बहुत करती हैं किसी महीने में गैरवी भी मिस नहीं करती मुहर्रम की भी कोई न्याज मिस नहीं करती और दूसरी तरफ बेहयाई वाला मामला भी है आपके दीनदार तबके में भी आप देखेंगे कितने लोग हैं वो अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहे होंगे और जब कोई डांस पार्टी आएगी या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ आएंगी वहाँ भी फिर आप देखेंगे वो कैसे खर्च करेंगे तो बेहयाई वाला मामला भी साथ में चल रहा होगा तो अल्लाह ताला ने ये दोनों दरवाजे बंद कर दिए एक तो तंगदस्ती का खौफ नहीं खाना और दूसरा माल को बेहयाई में नहीं लगाना अच्छा हमें बताया गया जी अल्लाह ताला तो बस छोटी सी बात पर ही राज़ी हो जाता है मुझे तो कुरान में कहीं नहीं नजर आया कि अल्लाह ताला छोटी सी बात पर राज़ी होता है उसने तो कदगन ही इतनी लगाई हुई है सर आम एक जहीन आदमी उसकी आप रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर सकते और अल्लाह जो जहीन भी है और शिर्क के बारे में सेंसिटिव भी है जरा सी रियाकारी को भी पसंद नहीं करता तो उसकी कदगन फिर इसी तरीके से होगी मुसरद अहमद में हदीस है जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिरक किया जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने भी शिरक किया और जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने भी शिरक किया अच्छा नमाज पढ़ने में कोई शिरक कैसे हो सकता है सबसे बड़ी तोहीद की अलामत ही नमाज है जिसमें आप ना सिर्फ अल्लाह की हमद बयान करते हैं बल्कि पोस्टर्स भी बनाते हैं हम क्यों कहते हैं कि नमाज के लिए प्रे का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए यह वर्शिप है नमाज प्रे नहीं है यह प्रे की टर्म जो है वो क्रिश्चियन से आई है क्योंकि वो खाली दुआएं कर रहे होते हैं मुसलमान तो वर्शिप करते हैं अपने हर पोस्चर में प्रे भी पैरल में कर रहे होते हैं और अपने आज़ा को अल्लाह ताला के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं कभी क़्याम की शक्ल में कभी रुकू की शक्ल में कभी यूँ यदैन की शक्ल में कौमे में कभी सजदे में कभी दो सजदे के दरम्यान बैठ के या तशद में बैठ के ये तमाम पोस्चर्स में बैठना जो है ये भी इबादत की डिमॉन्स्ट्रेशन है और उसके अंदर जो पढ़ना है वो, वो पढ़ने वाला पोर्शन प्रे है नमाज पूरी प्रे नहीं है प्रे नमाज का एक जुज है बाकी जो आप पोस्टर बना रहे हैं वो तो वर्कशिप है इबादत है तो नमाज के अंदर शिरक कैसे आ गया जी जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया इससे आप अल्लाह ताला की सेंसिटिविटी का लेवल का अंदाज़ा कर सकते हैं नमाज जो खालिस्तन आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं पढ़ने के दौरान भी आपको ये गुमान भी नहीं है कि आप गैर अल्लाह के सामने झुके हुए हैं अल्लाह उसको फिर भी शिरक कह रहा है अगर रियाकारी के लिए कर रहे हैं हती के सुनम नमाजा में हदीस है कि जिस शख़्स ने नमाज का सजदा इस इस तरह लम्बा किया कि उसने मुस्द्यामन में भी यह हदीस कि उसने उसको कोई देख रहा था और उसकी वजह से उसने नमाज को थोड़ा तूल दे दिया तो ये भी शिरक में शुमार हो जाएगा तो अल्लाह ताला खालिश माल को कबूल करता है इतनी कदगन लगाई हुई है। शैतान तुम्हें डर दिलाता है तंगदस्ती का और तुम्हें हुक्म देता है कि बेहयाई के काम करो अब इसके अगेंस्ट अल्लाह ताला ने इसके अपोजिट अपनी दो क्वालिटीज गिनवाई हैं। शैतान की दो निटोरियस चीजें क्या थी तंगदस्ती का खौफ और बेहयाई का हुक्म इसके अपोजिट अल्लाह तब हमारा वल्लाहु यादू कुम मगफिरतम मिनहूं व फ़दला। जबकि अल्लाह ताला तुमसे वादा करता है अपनी मगफिरत का और अपने फजल का अल्लाह तबारक ताला ऐसे शख्स को उसके गुनाहों से दरगुजर फरमा के जन्नत में आला मकाम देगा उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा जो शख्स अल्लाह के लिए अपना अखलास शो करता है अल्लाह के लिए अपना माल खर्च करता है और अपना फ़ज़ल भी अता फरमाएगा दुनिया में तो है ही है कि उसके माल में अल्लाह तबारक व बरकत दे देगा आख़रत में बहुत बड़ा फ़ल्ल अता फरमाएगा तो इससे ये पता चला कि जो लोग इनफाक फी से बी करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और बेहयाई से बचते हैं तो अल्लाह ताली ने उनसे आख़रत की मगफ़रत और फ़ल का वादा कर लिया है तो ये बुहारी की हदीस भी तो है ना कि जो शख्स मुझे अपनी ज़ुबान और शर्मगा की हिफाजत की गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ नबीम ने फरमाया तो ये देख लें इसकी जड़ क़ुरान में भी है कि अल्लाह ताला बेहयाई के अगेंस्ट कह रहा है कि जो बेहयाई से बच जाएगा ना तो मैं मफ़रत उसकी कर दूँगा और जो तंगदस्ती का जो डर रख के इस डर को ओवरकम करके अल्लाह की राम में ख़र्च कर लेगा मैं उसे अपने फ़जल की बिशारत देता हूँ अल्लाह इन्नी असअल का मिन फलीकावरिक आमीन वल्ल सयालीम अल्लाह तसत वाला है इल्म वाला है यानी अल्लाह तबारक व ताल की इतनी वसत है कि वो सबको भी नवाजे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इल्म वाला है और उसे ये पता भी है कि कौन इस काबिल है कि उसे नवाजा जाए आखरत के अंदर दुनिया में तो वो अपने दुश्मन को भी देगा आखरत की बात हो रही है ये अल्लाह को पता है यु त हकमत मैं वो जिसे चाहता है हिकमत अता फरमा देता है दानाई व मैं युगल हिकमा और जिसे उसने दानाई अकलमंदी और हिकमत दे दी फ़द ऊत या खैरन कसीरा तो बेशक उसे खैर कसीर अता कर दी गई यानी अल्लाह तमारा सबसे बड़ी खैर है किसी को दानाई मिल जाए ये इसका जिक्र यहां पे क्यों आया है? दुनिया में तो अकलमंद उसे माना जाता है जो माल जोड़ के रखता है अल्लाह के नजदीक अकलमंद वो है जो माल अल्लाह की राह में लगा दे और अल्लाह की राह में माल लगाने वाला तो बड़ा दाना है उसको अल्लाह ने हिकमत दे दी वो बड़ा स्याणा है क्योंकि उसका माल जाया नहीं हो रहा दुनिया का क्राइटेरिया माल के सेविंग का और है अल्लाह के नज़दीक और है बुहारी मुस्लिम में दोनों में हदीस है नबीलाम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा कर ख़त्म कर दिया या पहन कर बोसीधा कर दिया या अल्लाह की राह में खर्च करके क्यामत के दिन के लिए महफूज कर लिया बाकी जो बच गया वो तेरे वुर का माल है तो नबीम ने फरमाया तुम्हारे तीन माल हैं अच्छा उन तीन में से भी दो ज़ाया हो चुके दुनिया में पहन के और खा के अब पैनने में घर का शेल्टर भी शामिल है क्योंकि मरने के बाद वो घर भी तो वरसा को मिलना है आपने कबर में तो साथ नहीं लेके जाना जो आपके साथ जाना है माल वो वो है जो आपने अपनी जिंदगी में अपने हाथों से खर्च करके आखिरत के लिए महफूज कर लिया और वही मुस्लिम शीम में हदीस है कि मुर्दे को तीन अमाल का सवाब मिलता है उसमें से एक अमल सदका जा रही है जो अपनी ज़िंदगी में उसने कर लिया दूसरा इल्म की बात अगर किसी को सिखाई थी वो भी उसने खुद किया वो भी उसे सवाब मिलना और तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है और फिर बुहारी मुस्लिम की वो हदीस के इंसान के तीन दोस्त हैं जो जिन में से दो कबर से बाहर रह जाते हैं और एक ही कबर में साथ जाता है उसके रिश्तेदार और माल बाहर रह जाता है और अमाल साथ जाते हैं और अमाल में आपके सारे अमाल साथ जाएंगे आपके वो वाला माल भी आपका साथ जा रहा है जो आपने अल्लाह के लिए खर्च कर लिया जो नहीं किया था वो पीछे रह गया तो अल्लाह तैयार मारे अक्लमंद तो वो है ना असल में ये इसको जोड़ा इसके साथ गया है कि अक्लमंद वो है जो अल्लाह की राह में खर्च करके हमेशा के लिए महफूज कर लेता है जिसे हमत वो चाहता है अताफरमाता है और जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दी गई वमा यद दक कर उलबाब और नसीह तो नहीं कबूल करते मगर अक्लमंद लोग तो यहाँ अल्लाह तला ने अक्लमंदों की निशानी भी बता दी है कि जो की धमकी से डर जाएं उसके पैगमरों की दावत को कबूल कर लें वो अकलमंद लोग हैं व माफक् मिन नफक मिन नफिन तुम मिन नजरिन और जो कुछ भी तुम माल खर्च करते हो अल्लाह की राह में या जो मन्नत मानते हो तो यकीनन यकीनन यकीन ताला उसको जानता है व मा अलीसार और जालमों का कोई मददगार नहीं होगा यानी अल्लाह ताला को पता है तुमने अखलास के साथ किया या नहीं किया इवन छुपा के भी किया तो टेंशन नहीं लेनी कि अल्लाह को कैसे पता चलेगा अल्लाह को हर चीज़ का पता है तो ये अक्लमंदी का तकाजा भी यही है समझदारी का तकाजा भी यही है कि इंसान अपने माल को हमेशा के लिए महफूज कर ले अल्लाह की राह में खर्च करके लेकिन इसमें एग्जेजरेशन भी नहीं होनी चाहिए ये भी जरा जहन में रखिएगा बाल लोग सब कुछ ही लुटा के चले जाते हैं तो नबीलाम ने इससे भी मना फरमाया बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है साद सादिबनबी वकास कहते हैं कि फ़तह मक्का के मौका पर मैं इतना बीमार हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा अब फ़तः मक्का हो रही है आठ हिजरी में और साद सादबन अभी वकास वो सहाबी हैं जो सबसे आखिर में फ़ौत हुए हैं बदरी से आबा में से छप्पन हिजरी में आखिरी बदरी से हबी जो फ़ौत होने वाले हैं वो सादन अभी वकास हैं तो आठ हिजरी में वो कहते हैं मैं इतना बीमार हुआ कि मुझे यकीन होगा कि मैं नहीं बचूंगा तो हज़ूसम मेरी आदत के लिए आए तो मैंने कहा यारसल्ला मेरी तो एक ही बच्ची है तो मैं चाह रहा कि मैं अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ तो क्या मैं दो तिहाई माल अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ तो आपने इजाज़त नहीं दी फिर उनका यारसल्ला मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता तो। हूँ आप्लाम ने इसकी इजाज़त भी नहीं दी फिर बड़ी मुश्किल से एक तिहाई माल की इजाजत आपने दी और फिर आपने फरमाया क्या तुम यह चाहते हो कि तुम्हारी औलाद मरने के बाद लोगों से मांगती फिरे इससे बेहतर है कि तुम उनके लिए छोड़ के मरो डेटम लाइन है हदीस में कि एक तिहाई से ज्यादा माल कोई शख्स अपनी जायदाद का अपनी जिंदगी में किसी के लिए हिब्बा वसीयत नहीं कर सकता एक तिहाई दो तिहाई माल उसे छोड़ के मरना होगा और ये एक तिहाई भी एज ए लास्ट रिजॉर्ट है बाद लोग ये करते हैं कि वो जनाब आधी से ज्यादा जदाद ही अल्लाह की में दे देते हैं कहते हैं जी अल्लाह ने दिए ही इतना हुआ तो मैं खर्च कर दूं अपने हाथों खर्च कर जाऊं यानी उनको ये उम्मीद नहीं होती कि हमारी औलाद पीछे से ही करेगी तो औलाद की ऐसी तबीयत तरबियत तर्भी करें ना कि औलाद भी अल्लाह के कामों में लगाए उसके तो बहरल चूँकि इस्लाम में मालो दौलत का मालिक अल्लाह है लिहाजा अल्लाह ने आपको इजाज़त नहीं दी है कि आप अल्लाह के माल को एक तिहाई से ज़्यादा माल आप वसीयत कर सकें किसी और वसीयत गैर वारिस के लिए होगी वसीयत ये होती है कि मेरे मरने के बाद फलां को मिले वो वारिस को नहीं आप कर सकते क्योंकि वारिस को वही मिलना है जो आपके वरासत के कवानीन आए हैं सूरह निशा के अंदर हाँ हिब्बा आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं वारिस को भी कर सकते हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से देना होगा लेकिन अपनी ज़िंदगी में वरासत आप तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पता ही नहीं पहले किसने मरना है ये तो साधे भी विकास को नहीं पता उन्होंने मर जाना है कि नहीं मरना तो आपको कैसे पता है मरने के बाद विरासत तकसीम होती है अक्सर लोग कहते हैं जी मैं अपने हथे ही दे जावा पिछू लड़ते रहनगे लड़ना उन्होंने फिर भी है पिछू बेफिक्र वो अथी दे भी जाओ फिर भी लड़नगे क्योंकि जरा सा ऊँच नीचे होगी तो नहीं तो उन्होंने कहना ने प्यो न पट्टू पा लिया ए निले ने ए व्डे आए ने लड़ना उन्होंने ऐजे ए जे नहीं च रखना अल्लाह ये कि जिसको खौफ खुदा होगा वो तो मामला अलग है तो अल्लाह तबारक वाली इस चीज़ को नापसंद करता है कि कोई शख्स जो है वो सारा माल ही अल्लाह की राह में लौटा दे और फिर पिछले जो है वो मांगते फिर है इस चीज़ को नबी इस्लाम ने नापसंद फरमाया यही वो चीज़ है जिसे दीन की समझ बूझ का नाम दिया गया है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फ़िक अता फ़रमा देता है और अल्लाह अता फरमाता है मैं तकसीम करता हूँ यानी इल्म दीन अल्लाह ने अता फ़रमाया तकसीम मेरे ज़रिए होता है यह आधी हदीस वो ब्रिल्वी कोट करते हैं ना कि रिस्क भी जो है वो अल्लाह देता है और नबी इसलाम तकसीम करते हैं ये दीन के इल्म की बात हो रही है दीन तो हम इस्लाम से ही सीखेंगे तो आप देखें ये जो हदीस है ना कि अल्लाह ताला जिसके साथ हिकमत यानी भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फरमा देता है इसी को सपोर्टिव आयत भी आ गई है कि अल्लाह है ते विकमत फ़कत ऊत या खैर कसीरा जिसे अल्लाह तलामत दे दे उसे खैर कसीर दे दे उसके भलाई का इरादा फरमा दिया ना अल्लाह तुबकात अगर तुम अपने सदक़ात को ज़ाहिर करते हो फिया तो ये बहुत अच्छी बात है बाजुकात जैन ज़रूरत पड़ जाती है किसी को तरगीब दिलाने के लिए आपकी रियाकारी की नीयत नहीं है लेकिन बाजुकात एलानिया इसलिए भी सदका और खरात करना पड़ जाता है कि जिसको आप माल दे रहे हैं ये ना हो कि वो फिर चार बंदों से और भी मांगता फिर है तो बाजुकात तीन चार बंदों की मौजूदगी में माल दे दिया जाता है ताकि ये ना हो okay, कि मतलब ये वो एक ही एक ही मस्जिद का जिस तरह बिल होता है वो पचास बंदों से वो जमा कर रहे होते हैं भाई बिल मिल गया अब ख़त्म तो इसमें फिर बाज़ का ज़रूरी होता है कि जब आपको ऐसे लोगों से खतरा होना कि जो हर बंदे से वो माल करेंगे और फिर आपका ताल्लुक भी ऐसा है कि आप माल देना भी है आपने वरना तो बात अगर ताल्लुक वाली जगह ना हो तो इंसान तो वैसे ही फिर ऐसे लोगों को लिफ्ट नहीं करवाता लेकिन जिनको मजबूरन लिफ्ट करवानी पड़ जाए फिर ये थोड़ा सा इहतमाम कर लिया जाए कि एलानिया कर दिया जाए और बाकी लोगों को भी बता दिया जाए कि भाई इसकी ज़रूरत ही मैंने पूरी कर दी है ये ना अब आप लोगों से भी मांगता फिर तो इसलिए इसकी इजाज़त दी गई है कि अल्लाह तरफ हमारा ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई जहरी तौर पर भी खैरात करता है वह इनतुखूहा और अगर तुम पोशीदा रख के करो वह तो हलफ़रा अफ अ खैरकुम और तुम फकीरों को माल दो तो ये तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा बेहतर है दोनों ऑप्शन इसलिए रख लिए कि बाजू का जैनवन जरूरत पड़ जाती है जैसे मैंने कई दफ़ा बताया कि अल्लाह को तलाक नापसंद है लेकिन है हलाल नापसंद उस सूरत में है जब आप किसी के साथ नजायज़ ये मामला कर रहे हो तलाक वाला या छोटी सी बात जिस पे तलाक नहीं बनती थी आप इस एक्सट्रीम पे चले गए लेकिन जहां पे मामला बिगड़ जाए वहां तो तलाक ही सोल्यूशन है जिस तरह के ऑपरेशन करना बाजुकात सोल्यूशन होता है एक बड़ी कॉज के लिए यहां पे वो भी हदीस याद कर लें बुखारी मुस्लिम जो दोनों में हदीस है हमने उलादा से वैसे अब क्लिप भी उसका अपलोड हो चुका है सात लोग जिन्हें अर्श का साया नसीब होगा उसमें से एक ये भी था कि वो दाएं हाथ से सदका करे और बाएं को ख़बर ना हो यानी छुपा के सदका करना लेकिन छुपा के सदका करने के साथ अल्लाह ने ऐलानिया सदका करने की भी इजाज़त दे दी है और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि इजाज़त दे दी है वरना तो हर वक्त ये ख़दशा लगा रहता कि जो भी थोड़ा सा ऐलानिया कर रहा था वो रयाकारी की नजरिए हो गया है अब जो ऐलानिया कर रहे हैं ना उसके जो दिल वाला मामला है ना वो अल्लाह के सपूर्द है वो आप नहीं, नहीं किसी को कहना कि यह रेकारी कर रहे हैं वो उसने खुद अपने ऊपर चेक लगाना है कि मैं रियाकारी के लिए कर रहा हूं या अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं वायुकफ रु वायुकफ रुक आती तो इन सदकात की अल्लाह की राह में खर्च करने की बरकत से अल्लाह ताला मिटा देगा तुमसे तुम्हारे गुना वल्लाहु बिमा तमुन ख़बीर और अल्लाह खबरदार है उन अमाल से जो तुम कर रहे हो अच्छा ये टॉपिक तो कुरान में कई जगह आया है कि ये जो नकियाँ हैं ना ये गुनाहों को मिटा देती हैं यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने कहा कि नेकियाँ करने की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और नेकी कौन सी अल्लाह की राह में ख़र्च करना और ये सिर्फ ख़र्च करना नहीं है कुरान पाक में नमाज के बारे में भी आया कि नमाज जो है वो गुनाहों को मिटा देती है और बाकी जितने भी नेक अमाल हैं वो गुनाहों को मिटा देने वाले हैं आटोमेटिकली बग़ैर तोबा के भी वो गुना माफ़ हो जाते हैं नेक माल की बरक़त से लेकिन सगीरा गुना कबीरा गुना नहीं कबीरा गुना सिर्फ़ तोबा से माफ़ होंगे तो इससे बाजुकात कोई अगर ये प्ली ले ले कि मैं हराम माल कमाऊँगा और फिर अल्लाह की राह में ख़र्च कर दूँगा तो ख़र्च करने की नेकी से मेरा हराम माल कमाने वाला गुना माफ़ हो जाएगा तो ये इसी तरीके से जैसे आप गटर के पानी से भुजू करके नमाज़ पढ़ रहे हैं तो गटर के पानी से वजू नहीं होना उल्टा आप और ना पाक हो जाएंगे ये जेन में रखिएगा वजू के लिए पाक पानी शर्त है आप कोई गटर के पानी से वजू करें और नमाज पढ़े तो नमाज तो बड़ी दूर की बात है उसका वजू भी नहीं हुआ और वो उल्टा नापाक हो गया यही है काम जो यहां पे अक्सर हमारे जो अमीर लोग हैं ना वो यही हरकत कर रहे होते हैं हराम तरीके से माल कमाते हैं किसी को हाजू उम्रा करवा दिया या खुद चले गए हर साल रमज़ान में इतकाफ़ बैठने के लिए या कोई दस्तरखान चला दिया या परमानेंटली किसी मदरसे का खर्चा उठाया हुआ है अपने कारोबार में सारी वो डंडियाँ मार रहे हैं टैक्स चोरी वाला मामला कर रहे हैं धोखा दही वाला मामला कर रहे हैं धोखा दही जाहिर है कि जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं आप वो नहीं दे रहे हैं तो आप धोखा कर रहे हैं थोड़ी सी अपने अंदर जरूरत पैदा करें और लोगों को पहले ही पता है अगर एक दूध वाले ने लिखा हुआ ना खालिश दूध सत्तर रुपये तो सर सबको पता है कि सत्तर रुपये में तो घर में नहीं खालिस दूध पड़ता अगर एक भैंस रखी हो कम अज़ कम दस पंद्रह भैंसें हो ना फिर ये नीचे आता है एक भैंस आप पाल के भी देख लें तो सत्तर रुपये आपको घर में भी नहीं पड़ता खालिश दूध तो सबको पता है आप ना खालिश दूध ही दे रहे हैं तो थोड़ी जरूरत करें आप लिखेंगे जी जो खालिश दूध है वो एक सौ बीस रुपये किलो है और जो पानी मिला दूध है वो सत्तर रुपये है फिर भी लोग आपसे लेंगे और खालिस वाले भी पहुंचेंगे खालिस दूध तो ऐसी चीज़ है लोग घरों से आके लेके जाते हैं हमने तो ही देखा है जिनके पास खालिस दूध है ना उनको लोगों को बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है वो कहीं पर भी बैठे हो लोग वहां पर पहुँच जाते हैं तो ये एक सच्चाई की ताकत होती है इसलिए इंसान को इस हवाले से देखना चाहिए कि अपने अंदर अखलाक ज़रूरत रखनी चाहिए जो माल जिस तरह का है वो उस तरीके से प्रेजेंट करें लोगों को वैसे भी पता है इस चीज का खर्चा ना करेंगे लोग आपसे नहीं लेंगे लोगों ने लेके जाना है उनको खुल के बताएं कि जनाब ये है और अगर आप समझते हैं इससे बेहतर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप वहां से ले लें मैंने तो जो, जो सही बात थी वो आपको बता दी है सा आड़ई का होदा हम आपके जिम्मेदारी नहीं है आपके जिम्मे किसी को सीधे रास्ते पर चलाना वोला किन् यह दी शाह बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है सीधी राह पर चला देता है इसका माना यह भी होगा कि अल्लाह ताला सीधी राह पर चला देता है जो चाहता है कि उसे चलाया जाए आप ज़बरदस्ती किसी को हदायत नहीं दे सकते यानी ये वही बात है कि जो शख़्स सोया हुआ है आप उसको तो जगा सकते हैं और जो आंखें बंद करके लेटा हुआ है आप उसको ज़बरदस्ती झंझोड़ के उठा ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले ही जागा हुआ है वो तो बहाना करके लेटा हुआ है वो कैसे उठेगा वमातुलफिक मिन खइरन फलीफ सिकुम जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अपने माल में से तो इसमें तुम्हारा ही अपना फ़ायदा है अपने लिए आखिरत में जोड़ रहे हो ना वमातुलफिक ना लबत अवज हा और तुम जो खर्च कर रहे हो तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन कारफरमा होनी चाहिए या है वो है अल्लाह की रजा वमातुलफिक मिन खैरन और जो कोई भी अपने माल में से तुम में से कोई ख़र्च करता है अल्लाह ताला के हुजूर युवफा इलाई कुम तुम लातम तो अल्लाह ताला वो माल तुम्हें लौटा देगा आखिरत में पूरे पूरे अजर के साथ और तुम पे कोई जुल्म नहीं होगा और वो तो स्टार्ट ही इससे हुआ था कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना ऐसा है जैसे कोई एक दाना बोए उसमें से सात बालियाँ निकले हर बाली में सौ सौ दाने हों यानी सेवन हंड्रेड टाइम्स ये जो कुरान हकीम की आयत स्टार्ट हुई थी जो हमने फाक फीसबीला का आगाज़ किया था आयत नंबर टू सिक्सटी वन से मुसलसल ये अब इक्कीस आयात है टू सिक्सटी वन से लेके टू एटी वन तक सात सौ गुना और फिर उसमें अल्लाह ने बासनी की बल्कि फिर फरमाया कि जिसके लिए चाहेगा इससे भी बढ़ा देगा सर दुनिया में कोई कारोबार ये प्रॉफिट दे सकता है कि एक रुपया लगा के आपको सात सौ रुपये मिल जाए हम तो कहते हैं जी लाख के पीछे हजार रुपया और अल्लाह ताला फरमा रहा है लाख के पीछे सात सौ लाख ये अल्लाह ताला के हजूरी हो सकता है अब जनाब क्रिटिकल एक आयत आ रही है इसी के ऊपर इंशाल्लाह हम कंक्लूड भी कर देंगे आज की गुफ्तगू को लिलफरा उबी सदका और खैरात के हकदार सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में रोक लिए गए हैं ला तून दर في अर्द उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं कि ज़मीन में चल फिर के अपनी रोज़ी कमा सकें ये अल्लाह की राह में रोक लिए गए हैं आपके तो दिमाग में आ रहा होगा कि वो कहीं जात करने गए थे तो ने कैद कर लिया नहीं यहाँ ये यह मुराद नहीं है साथ जो लफ्ज़ है वो उस पर गौर करें कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो अपना रिज्क कमा सकें अल्लाह की राह में रोक लिए गए हैं इससे मुराद स्पेसिफिकलीह सफ़ा थे जो अल्लाह की राह में मस्जिद नबी में रोक लिए गए थे वो पूरा दिन हज़ूराम से तालीम हासिल करते थे वन फिफ्टी फाइव अहब थे वो जिनमें हज़रत अबूर और अबू दरदा भी शामिल है रदील्लामां तो अब वो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस भी हैं सईदान अबू रहरा कहते हैं कि मेरे साथी कहते हैं कि अबू हुरैरा इतनी हदीसें बयान करता है हम लोग तो वो इतनी हदीसें बयान नहीं करते तो उन्होंने फिर अपनी जस्टिफिकेशन दी है कि मेरे जो बाकी साथी हैं उनको तो दिन के वक्त मेहनत और मज़दूरी से फुर्सत नहीं मिलती और मैं पूरा दिन हुजूर के साथ होता हूँ आपसे सवाल करता हूँ आप मुझे बताते रहते हैं तो मैं हुजूर से वो बातें याद रख लेता लेते तो, तो ये जेन्युइन चीज़ है कि जो बंदा टीचर के साथ हर वक्त अटैच रहेगा उसका जो नॉलेज का लेवल है बाकी लोगों से ज़्यादा होगा तो अल्लाह तमारा सबसे ज़्यादा तुम्हारे सदकात के हकदार वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी है तो यही आयत है जिसकी प्ली लेके आपके मदरसे और ये सारा सिस्टम चल रहा है हम इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हैं हमारा कहना यह है कि इसकी बुनियाद के ऊपर जदादे मनाना और अयाशी की जिंदगी गुजारना यह हराम है इसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है इसके अंदर सदकात ऐसे लोगों को देने हैं तो जब एक गरीब आदमी जो कमाता नहीं है उसको सदका और ख़राब दिया जाता है तो क्या उसे एक महल बना के दिया जाता है प्रियकल भी इस्तेमाल करें। उसके सिर्फ घर का राशन डलवाया जाता है अब कोई शख्स यह भी कह सकता है कि यार अगर बाकी लोगों का ये हक है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो वो क्यों ना गुजारें इसलिए कि सर उसने आखरत अडॉप्ट है दो जाने मुठे बाऊ नहीं हो सकता उसने खुद एडॉप्ट किया है कि मैंने दुनिया में सबसे लेवल पे ज़िंदगी गुजारनी है मैं अल्लाह से आखरत में जन्नत लूंगा फिर सर है सर यहाँ पर जो करोड़पति बंदा है ना उसको उसके स्टेटस का अशर्शीर भी नहीं मिलेगा जो आखरत में उसको मिलने वाला है तो बड़ा समझदार है लेकिन अगर वो ये चाहता है कि मैं अमीर आदमी से पैसे भी हथे आऊं लग्जरियस लाइफ भी गुजारू और आखिरत में मेरी जिंदगी से बेहतर भी हो जाए तो ये धोखा आप पब्लिक को तो दे सकते हैं अल्लाह को तो नहीं देख सकते सोच भी नहीं सकता कोई अल्लाह को इस तरह का धोखा दे दे सबसिस्टस लेवल के ऊपर सही बुखारी में आता है खुल्फाजदीन का भी जो वजीफा था ना एक आम मुहाजर जितना था यहां पे लोग मिसालें देते हैं ना जी राशिदीन की भी तनख्वाह जो है वो बैतुलमाल से जाती थी नबील इस्सलम भी अपने घर का सारा ख़र्चा जो है बैतुलमाल से करते थे और इंजीनियर साहब कहते हैं जी मैं जी अपनी खातिर दीन से एक रुपया कमाने को भी हराम समझता हूँ तो ये तो मतलब क्या हराम का फतवा खुल्फ़ा राशिदीन पर लगा रहे हैं नाउदिल्ला ऐसा नहीं है मैंने कहा था कि दीन बेच कर अपने लिए किसी पर फ़तवा नहीं और दूसरा अगर कोई शख्स दीन से खा भी रहा है ना इसको मैंने हमेशा प्रोमोट किया है कि ये जायज़ है लेकिन सबसेस्टस लेवल के ऊपर हमारे इस प्लेटफॉर्म से मैंने पूरी पूरी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी कि जो लोग दीन के लिए वक्फ हुए हुए हैं अल्लाह के लिए दीन का काम कर रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें बाय नेम मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का डॉक्टर इसरार का इन सब लोगों के नाम लिए थे ये हकदार हैं कि आप इनको सपोर्ट करें डॉक्टर साहब साहब तो आप खौत हो चुके हैं लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जब जिंदगी वफ़ की है तो फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम तो इसी तरीके से था अभी भी उनके जो आप ऑफिस में चले जाएँ जितने लोग काम कर का रहे हैं उनकी तनख्वाहें सरकारी पे स्केल के ऊपर है जिस तरह गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है ना कि इतने परसेंट बढ़ी है तनख्वाह वो अपने लोगों की उतने परसेंट बढ़ाते हैं बिल्कुल पैरेलल में पे स्केल चल रहे हैं क्योंकि उनका मौके भी है कि ये बंदा अगर वो नौकरी छोड़ के इधर आया है ना तो एटलीस्ट उतनी तो आपको दी जाए और जो लोग जावेद अहमद गांधी साहब के पास काम कर रहे हैं ना उनकी तनख्वाहें तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी है वो मेरे भाई एटीज नाइन्टीज़ में पचास हजार एक लाख रुपया तनखाई देते रहे जब लाख रुपया देखा भी किसी ने नहीं होता था उनका मौक़ यह था कि ये इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं ये इतने जहीन है कि अगर ये अपनी ये सारी जहानत दुनियावी तौर तो पर लगाएं तो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं तो अगर मैं इनको दीन में यूज़ कर रहा हूं तो मैं इनको वो दूंगा बहरल इस्लाम यह कहता है सबसिस्टेंस लेवल पर आप लेंगे जो दीन के लिए वक्फ है वह दीन से खा सकता है इमाम मस्जिद की तनख्वाह नमाज पढ़ाने की नहीं दीन के लिए वक्फ होने की अगर नमाज पढ़ा के भाग जाता है उसके एक रुपया तनख्वाह नहीं होनी चाहिए क्योंकि नमाज तो उसने खुद भी पढ़नी थी कहते नहीं नमाज नहीं वक्त की ले रहा होता है वक्त क्यों ले रहा होता है नमाज में उतना ही वक्त लगाना होता है ये तो नहीं लादा अपनी जाके फिर लादा पढ़ता है एक तनख्वाह वाली हाँ इस तरह अगर वो कर ले कि तनख्वाह वाली लादा पढ़ ले नमाज और फिर एक और अपनी भी पढ़े और वो अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह ये वो है जो बगैर तनख्वाह वाली है वो मैंने वक्त दिया था फिर तनख्वाह ले ले हाँ जो कुरान की तालीम दे रहा है उसकी तनख्वाह ले सकता है उसको स्पोर्टि बुखारी मुस्लिम हदीस मौजूद है मेरी इसके ऊपर भी वीडियोज रिकॉर्डेड है लेकिन सारे मामला में सबसिसट लेल के ऊपर है जदादें नहीं बनानी हैं अगर कोई शख्स जदादे बनाने के लिए माल इकट्ठा करता है तो यह है हराम अब उस कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ अहदीस है मैं यहां पर बयान कर दूं पहले इस आयत को मुकम्मल कर लें इसी पे हम कंक्लूड कर देते हैं यह सब हम यह सब हमलाह अमिनत तफ अल्लाह तता है कि ये वो गरीब लोग हैं जो यानी कमाई नहीं कर सकते दीन के लिए वक्फ हुए हुए हैं और इनकी हालत यह है कि जो नावाकिफ शख्स उनको देखता है तो उनके सवाल ना करने के सबब उनको गनी समझ लेता है क्योंकि मांग जो नहीं रहे लेकिन उनकी शक्लें बता रही होती हैं कि यह गनी नहीं है वो अल्लाह तमाय तारीफ़ हम बसी माँ हम तुम उनको उनके चेहरों से पहचान लोगे चेहरे पे फाके के आसार हैं हालात तो वाक़ात बता रहे होंगे कि यार ये तो बेचारा गरीब है बुखारी मुस्लिम में हजरत अबू अबा के बारे में आता है कि कई बार मैं भूख की वजह से बेहोश हो जाता था लोग समझते थे इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया लेकिन मैं मांगता किसी से नहीं था कि भाई सवाल करने की मान्यता है अंदाजा करें भूख से बेहोश हो रहे और मांग नहीं रहे कि सवाल करने की मान्यता है जिसको सवाल करना जायज भी है यह है फर्क इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबीम फिर फरमाया बिस्किन वो नहीं है जो दो वक्त की रोटी लोगों से मांगता फिर मिस्किन वो है जो गुर्बत के बावजूद किसी के आगे हाथ भी ना फैलाए कि तुम उसे खुद पहचान लो तो पहचान लो तुमसे वो नहीं मांगेगा वो मिस्कीन है वो हकदार है कि उसे दिया जाए तो ये प्रोफेशनल बैगर्स फिर कहां रह गए ला यस अलून ये वो लोग हैं जो लोगों से लिपट के नहीं मांगते वो पीछे ही पड़ जाते हैं लोगों के तो अल्लाह कहा कि ये वो लोग नहीं है जो पीछे पढ़ दें और मांगना शुरू कर दें अल्लाह पर वमातुल्फिकून अल्लाह भी आलिम जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो पस अल्लाह खूब जानता है यानी अल्लाह तुम्हारे अजर को ज़ाय नहीं करेगा अल्लाह के है, तुमने अल्लाह के लिए सब कुछ खर्च किया तो यह इस कॉन्टेक्सट में नबी इस्लाम की एक हदीस भी है सुनबी दाऊद में सुनिस में नबीलाम और मैं जिसके पास चालीस औकिया चालीस दरम या एक ओकिया उसे कहते हैं चालीस दिन उस वक्त चार दिनार के बराबर था सोने के चार सिक्कों के बराबर और चांदी के चालीस सिक्के एक दिन एक ओकिया कहलाता था आज का वो डेढ़ तोले सोना बनता है जिसके पास डेढ़ तोले सोना है आज की डेट में या इसकी मालियत उसके पास मौजूद है इसके बावजूद वो किसी से सवाल करता है तो नबीर स्ना फरमाया कि वो वही है जो कुरान में कहा गया कि जो लिपट के ज़बरदस्ती मांगने वाला है ये है क्राइटेरिया अच्छा अब वो हदीस है बुहारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबील फरमाया कि जो शख्स लोगों से मांगता है यानी माल जोड़ने के एतबार से बात हो रही है तो क्यामत वाले दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश नहीं होगा यह सबसे पहला अजाब उस पर पड़ेगा मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो शख्स माल बढ़ाने के लिए मांगे तो वह लोगों से अंगारे मांग रहे अब तुम्हारी मर्जी है ज्यादा अंगारे मांग लो या थोड़े जो मैंने कहा था ना कि जो शख्स दीन के लिए वक्फ है ना वो सब लेवल पे दीन से खा सकता है यहां पे मुस्लिम शिव की हदीस में आ गया नबी फरमाया कि जो शख्स माल बढ़ाने के लिए मांग रहा है ना वो दोजा की आग जमा कर रहा है तो ये माल बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं ना तीन हजार इमाम मस्जिद की तनख्वाह है खतीब की दस हजार है यह आजकल चले पच्चीस तक पहुंच चुकी है और गाड़ी हुडा सेविक रखी है और ड्राइवर भी रखा हुआ है ये माल बढ़ाने के लिए मांग रहे हैं तो ये दोजक की आग है ये गाड़ियां नहीं है ये दोजक की गाड़ी है तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस गवाह है इस बात पे माल बढ़ाने के लिए मांगना हराम है सबसे सृष्ट लेवल पे जायज है फिर मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि तीन तरह के लोगों को इजाजत है कि वो मांग सकते हैं नंबर वन जिसकी कोई जमानत भर लेके हाँ इसको आप उधार दे दें इन जब यह खुशहाल होगा तो आपको वापस कर देगा वो मांग सकता है नंबर दो जो शख्स इतना आफत का शिकार होकर उसकी हर चीज़ ख़त्म हो जाए जिस तरह भी ये बैरूत के अंदर धमाके हुए हैं लोगों के घर तक उजड़ गए ख़त्म हो गए अब इस तरीके से कराची में कई बार आप सुनते हैं फैक्ट्री में आग लगी वो फैक्ट्री ऑनर्स भी बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं उनके साथ रिलेटेड लोग भी बिल्कुल जो दिहाड़ीदार हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए आफत का मुबतला हो जाए या किसी ने कोई ज़रअी ज़मीन थी और वहाँ पर टड्डी दल का हमला हुआ वो सब कुछ ही उजड़ गया तो ऐसा लोग भी सवाल कर सकते हैं फरमाया फाके आ जाए और फिर साथ आप इसके जो मांगता है वो हराम खाता है और चंदे ले रहे हैं हजारों स्टूडेंट के बराबर कोई अकाउंटेबिलिटी कर सकता है कि सर यह दस स्टूडेंट है आप महीने का चंदा जरा दिखाए कितना लिया आपने और कहीं तो वो जो जुम्मे के बाद ये लोग बैठ के लोगों से ले रहे होते हैं ना उसका तो हिसाब कोई नैप भी नहीं कर सकती वो तो कहीं रिटर्न में भी नहीं होता जो लोग मुठ्ठी में हजार हजार के नोट पकड़ा रहे होते हैं पांच पांच सौ के वो कहीं पर रिटर्न में भी नहीं है वो चंदा बुक में भी नहीं जा रहे हैं जिसको कमेटी भी काउंटर वेरीफाई नहीं कर सकती अल्लाह कर रहा है ऐसी तो तैसी फिर जानी इन नाल ही होकर सही बुहारी में एक हदीस है नबी इस्लाम ने फरमाया किसी से सवाल करने से बेहतर है कि इंसान अपने पुष्त के ऊपर लकड़ियों का गट्ठा उठा ले काट के ना जंगल से और जाके बेचे ये बेहतर है इससे लोगों से मांगता फिर और आखिरी दिस जो मैंने पिछली दफ़ा बयान की थी अबू दाऊद और इब्ने माजा में कि एक गरीब शख्सूल इस्लाम के पास आता है और आप वाली वसल्लम से कहता है मेरी कोई मदद करें मैं गरीब हूँ आ फरमाते हैं कि तेरे घर कोई चीज़ है वो कहता है जी एक सिर्फ चटाई है मेरे पास वह हम ओढ़ते भी हैं नीचे बिछाते भी हैं और एक सिर्फ चांदी का प्याला है आ फरमाते हैं वो चांदी का प्याला लिया चांदी का नहीं बल्कि प्याले के अल्फाज हैं वो प्याला ले आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कौन है जो ये प्याला खरीद ले एक शख्स कहता है मैं एक चांदी के धरम के बस खरीदता हूँ आफर माते इससे ज्यादा अब उसकी कीमत तो नहीं थी हुज़ूर को वो स्पोर्ट दूसरे ने कहा मैं दो आपने उसको दे दिया और फिर आपने कहा कि जाओ एक दिरहम से अपने घर में खाना डलवाओ ये वो वाक़या जो आप बचपन में तीसरी चौथी क्लास में उर्दू की किताब में पढ़ते रहे ये हदीस है अबू दाऊद की एक जो है वो धिरम से घर में खाना डलवाओ और एक धरम से जाके ना कुल्हाड़ा लेके आओ और फिर आप्लाम ने अपने मुबारक हाथों से उसे उसमें दस्ती भी डाल के दी और आपने कि ये ले जाओ कुल्हाड़ा जंगल में जाके लकड़ियां काट के बेचो और पंद्रह दिन मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी ये अल्फाज हैं क्योंकि यहां तो लोग कहते हैं मैं आज ही जनाब अमीर बन जाऊ रातों रात कारोबार भी शुरू करते हैं तो कहते हैं मैं आज ही करोड़पति हो जाऊँ आप मैं पंद्रह दिन मन बूथी भी नहीं दिखानी अपनी पंद्रह दिन के बाद वो आया तो दस दिन हुए हुए थे उसके पास वो लकड़ी बेच बेच के तो उसने घर वालों को कपड़े भी लेके दिए फिर नबी नबीम ने उस वक्त उसे समझाया आपने फ़रमाया ये इससे बेहतर था कि तू लोगों से मांगता फिरता ये इससे बेहतर था जो मैंने तेरे साथ किया और फिर आप आप्लाम ने उस मौके पर फ़रमाया कि जो शख्स दुनिया में लोगों से सवाल करता है क़्यामत वाले दिन उसका चेहरा स्याह होगा सवाए उस शख्स के, के जो बिल्कुल मोहताज है ये बहुत ज़्यादा मकरूज है या दियत उतारने के लिए यानी उससे गलती से कतल हो गया कतल ख़ता और वो उसकी दियत आपको पता है सौ ऊंट है आज का एक डेढ़ करोड़ रुपया अब वो नहीं उतार सकता तो फिर उसकी आप मदद करें कि चलें इसके सिवा वो सवाल भी नहीं कर सकता ठीक हो गया जी अल्लाह तला से दुआए जो हक बात मैंने कही अल्लाह तला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो ताला हमारे दिलों से ही माफ़ कर दे हमें किताब सुन्नत की तालीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोहफ़ी कता फ़रमाए सुबह अशदुल्ला